आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F1 से लेकर के F12 तक का जो की होता है उसके बारे में। फ्रेंड्स, F1 से लेकर के और F12 तक का जो कीबोर्ड में की होता है उसको हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको F1 से लेकर के F12 तक का जो की होता है इसका यूज करना बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं F1 की। तो F1 जो है वो हेल्प के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसका दिखा देता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम MS वर्ड ओपन किए हैं और इसके बारे में हमें जानना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमें जानना है, इस एप्लीकेशन के बारे में जानना है, तो आपको कीबोर्ड से F1 प्रेस करना है। जैसे ही F1 प्रेस करेंगे, वर्ड का जो है हेल्प कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें बहुत सारा आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको सेविंग एंड प्रिंटिंग के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और उसके वजह से मान लीजिए आपको सेव एज PDF के बारे में जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें आप नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे। तो नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड के फाइल को किस तरीके से PDF में सेव किया जाता है उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे स्टेप दिया गया है। आप इसे फॉलो करके जो है आप अपने जो वर्ड का फाइल है उसको PDF में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक यही ऑप्शन नहीं है, इसमें बैक करके और भी ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है F2। F2 की जो होता है वो रीनेम के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्डर है, इसका नाम चेंज करना हो यानी रीनेम करना है तो कीबोर्ड से आपको F2 प्रेस कर देना है और इसका नाम आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है F3। F3 जो है वो सर्च के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम दिस PC यानी कंप्यूटर को ओपन करते हैं, और कंप्यूटर को ओपन करने के बाद जैसे कि हमें किसी फाइल फोल्डर या फिर ऑडियो वीडियो मूवी कुछ भी हमें सर्च करना है तो आपको कीबोर्ड से F3 प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आपका कर्सर सर्च बार में आ गया। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि रिज्यूम सर्च करना है या फिर कोई भी फाइल आपको सर्च करना है, फाइल फोल्डर या फिर ऑडियो वीडियो, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अगला है F4 की। तो फ्रेंड्स F4 दबाने से कुछ नहीं होता है, इसको जो है अल्ट के साथ F4 की यूज किया जाता है तो शट डाउन होगा या फिर क्लोज होगा। चलिए मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर अगर ओपन हुआ है, जैसे कि हम ये दिस PC यानी कंप्यूटर को ओपन किए हैं और इसको हमें बंद करना हो, क्लोज करना हो, तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 प्रेस कर देंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप डेस्कटॉप पे हैं तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं शट डाउन का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहीं से आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन यानी ऑफ हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कीबोर्ड से डाउन एरो की करके यहां से ऑप्शन को रीस्टार्ट या फिर और भी दूसरा ऑप्शन यहां पे सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। अगला की है F5। F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए या फिर गो टू के लिए एंड स्लाइड शो के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके इस तरीके से रिफ्रेश करते हैं तो ये रिफ्रेश होता है, तो वो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे इस तरीके से तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप कोई वर्ड का फाइल ओपन किया है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो पेज ओपन हुआ है, तो आपको कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करते ही गो टू का इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या फिर किस सेक्शन में जाना चाहते हैं, किस लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पे सबसे लास्ट में है, हम लाइन नंबर 2 पे जाना चाहते हैं, 2 टाइप करके जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा कर्सर जो है 2 नंबर लाइन पे आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो उसमें F5 प्रेस करने से पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है वो स्लाइड शो होने लगता है। अगला है F6। F6 जो की होता है ये हाईलाइट एड्रेस बार के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये वेबसाइट ओपन हुआ है, हम चाहते हैं कि एड्रेस बार जो है हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F6 जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस बार URL है ये हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे आप दूसरा भी टाइप कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं।
अगला है F7 की, इसका यूज चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज किया जाता है, यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर में कुछ गलती है उसको चेक करने के लिए जो है F7 की का यूज किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप वर्ड में कुछ लिखे हुए हैं, मान लीजिए कुछ गलती लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं ये जानबूझ के गलती लिखा हूं, आपको क्या करना है कीबोर्ड से F7 प्रेस कर देना है। जैसे ही F7 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नॉट इन डिक्शनरी में ये गलत वर्ड दिखाएगा और सजेशन में यहाँ पे आपको सही वर्ड मिल जाएगा। तो जो वर्ड सही है उस पर क्लिक करके आप इसे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सही हो गया। अगला है F8 की। फ्रेंड्स F8 की का यूज जो है सेलेक्ट टेक्स्ट और पिक्चर के लिए किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स MS वर्ड में इतना टाइप हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है, तो आपको कीबोर्ड से F8 की ऐसे प्रेस कर देना है। दो बार ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पूरा वर्ड जो है इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई पिक्चर भी इसमें इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम क्लिप आर्ट पे क्लिक किए और यहाँ गो किए और यहाँ पे मान लीजिए एक पिक्चर भी हम यहाँ पे ले लिए, अब इसको भी सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करना है, तो आपको कीबोर्ड से इस तरीके से F8 प्रेस करना है, तो इस तरीके से पूरा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अगला है F9 की। F9 की का यूज रिफ्रेश वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना हो तो F9 का यूज किया जाता है। आपको वर्ड के फाइल को रिफ्रेश करना है तो आपको कीबोर्ड से F9 इस तरीके से प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये वर्ड का फाइल रिफ्रेश हो रहा है। अगला है F10 की। फ्रेंड्स F10 की का यूज हाईलाइट मेनू बार के लिए किया जाता है, जैसे कि मेनू बार को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम F10 का यूज करते हैं। जैसे कि हम MS वर्ड ओपन किए हैं, इसमें मेनू बार को हमें हाईलाइट करना है, तो कीबोर्ड से F10 जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं मेनू बार हाईलाइट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए हमें इंसर्ट मेनू को ओपन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो कीबोर्ड से केवल N प्रेस कर देंगे तो इंसर्ट मेनू इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद इस तरीके से सभी ऑप्शन में जो है शॉर्टकट आपको दिखने लगेगा, आप जो बटन प्रेस करेंगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि टी प्रेस करेंगे तो टेबल खुलेगा, तो आप कीबोर्ड से जैसे ही टी प्रेस करेंगे तो टेबल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो F10 का यूज मेनू बार को इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, फिर से F10 प्रेस करने से मेनू बार हाईलाइट जो है वो हट जाएगा। अगला है F11 की। फ्रेंड्स F11 की का यूज फुल स्क्रीन मोड को करने में किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं गूगल क्रोम ओपन हुआ है और इसको फुल स्क्रीन मोड में करना है, तो आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस कर देना है, तो आप देख सकते हैं ये जो है फुल स्क्रीन मोड में हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से लिख रहा है कि प्रेस F11 एग्जिट फुल स्क्रीन, तो फिर से आपको F11 प्रेस कर देंगे तो वो फुल स्क्रीन जो है एग्जिट हो जाएगा। लास्ट है F12 की। F12 की का यूज सेव एज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MS वर्ड का फाइल इस नाम से सेव हो गया है, हम चाहते हैं कि इस वर्ड के फाइल को दूसरे नाम से सेव एज करें, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से F12 की दबाना है। जैसे ही F12 की दबाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एज का इस तरीके से बॉक्स ओपन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं और इसे अलग एक फाइल में सेव एज कर सकते हैं। सेव एज फ्रेंड्स आप किसी भी वर्ड के फाइल को, एक्सेल के फाइल को या फिर पावर पॉइंट के फाइल को, किसी भी फाइल को आप सेव एज इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।